हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एंड लाइफस्टाइल बाय शिवानी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट आप देख सकते हो कि मेरी स्किन कितने अच्छे से ग्लो कर रही है इवन विदाउट मेकअप के बिना मेकअप के जब हमारी स्किन ग्लो करती है ना तो हमारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है है ना हर लड़की चाहती है ना कि उसकी स्किन इतनी अच्छी हो जाए कि अगर वो मेकअप ना भी करे तो भी उसकी स्किन एकदम परफेक्ट दिखे तो हाँ इट्स पॉसिबल ये पॉसिबल बिल्कुल है अगर आप होम मेड रेमिडीज को यूज करते हो स्किन केयर अपना अच्छे से करते हो एक कंसिस्टेंट रूटीन को फॉलो करते हो और आप किस किस इंग्रेडिएंट को यूज करते हो इट मैटर्स द लॉट टू योर स्किन अगर आपको भी अपनी स्किन को बेटर ऑफ करना विद द होम रेमिडीज तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग विडियोज लेके आती रहूंगी अब मैं आपको बताती हूँ कि आज हम किस इंग्रेडिएंट का यूज करने वाले हैं जिससे कि हमारी स्किन इतने अच्छे से ग्लो कर सकती है हम यूज करेंगे दही को यानी कि कर्ड को जितने भी प्रोबायोटिक और फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपके स्किन के लिए वरदान का काम करते हैं क्योंकि जब हम इनकी एप्लीकेशन करते हैं ना टॉपिकल एप्लीकेशन अपनी स्किन पे तो हमारी स्किन बहुत अच्छे से बेटर ऑफ होती है और कितनी भी स्किन प्रॉब्लम हो ये उन सबको ट्रीट करने में

अगर आप परेशान हो कि आपका जो रंग है वो काला पड़ गया अगर आप डेली बेसिस पे दही लगाते हो ना अपने फेस पे तो आपकी स्किन अमेजिंग ग्लो देगी आपको और आपकी स्किन फेयर भी हो जाएगी क्योंकि जितना भी टैन हमारे स्किन पे जम जाता है ना अगर आप दही यूज करते हो ना अपने स्किन केयर में तो वो चुटकी बजा के दूर भी हो जाता है अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो कि आपको इस दही को यूज करके मिलेंगे दही आपकी स्किन को फेयर बना देती है एज यूजल दही मिल्क प्रोडक्ट है प्लस उसमें लैक्टिक एसिड होता है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है जब आप इसका टॉपिकल एप्लीकेशन करते हो तो आपकी स्किन के अंदर जाती है पोर्स के थ्रू और आपकी स्किन को वन टोन फेयर भी करती है सेकेंड इज ग्लो

दही को लगाते हो ना तो जितनी भी पिंपल के बैक्टीरियाज है वो इससे बिल्कुल इजीली चले जाते हैं अगर आपको पिंपल में रेडनेस हो रही है पेन है तो वो भी इसकी हेल्प से इजीली चला जाता है और इवन आपके पिंपल्स के जो स्पॉट्स होते हैं वो भी चले जाते हैं इसे रेगुलर यूज करने से फोर्थ इज रिमूव डेड स्किन सेल्स यही आपके स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट भी करता है इसलिए जितने भी डेड स्किन सेल्स होते हैं वो इसकी हेल्प से बिल्कुल रिमूव हो जाते हैं और अगर आप डेली बेसिस पे से यूज करोगे ना आपकी स्किन पे डेली बेसिस पे सारे के सारे डेड स्किन सेल्स रिमूव होते रहेंगे और आपकी स्किन करेगी सिर्फ ग्लो ग्लो एंड ग्लो फिफ्थ इज टाइटन योर पोर्स अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है ना तो ठंडा ठंडा दही निकालो फ्रिज से अपने फेस पे दो एक अच्छी सी मसाज इससे इस वेरी मैजिकल इंग्रीडियंट फॉर योर स्किन तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे लगाना कैसे है फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है विद्पर और एनी फेस वॉश अगर आप बाहर से आयो अभी आपके स्किन पे कोई डस्ट है कोई मेकअप है तो रिमूव दैट फर्स्ट क्योंकि अगर आप ऐसे ही लगा लोगे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा उल्टा नुकसान हो जाएगा फेस को वॉश करने के बाद फ्रिज से निकालो ठंडा ठंडा दही अगर वो एक दिन पुराना है यानी कि जितना वो खट्टा है उतना आपकी स्किन के लिए और भी ज्यादा बेनिफिशियल है दही गाढ़ा गाढ़ा लो और उसे अपने फेस पे अच्छे से लगा लो इवनली ऑन योर फेस और नेक पे भी आप लगा सकते हो इवन आप अपने हैंड्स और अपने आर्म्स पे भी अप्लाई कर सकते हो अगर वो भी डार्क है तो आपने लगा लिया अपने फेस पे आफ्टर दैट गिव a गुड मसाज ऑन योर फेस फॉर one मिनट One मिनट इज sufficient. अगर आप इसे डेली बेसिस पे करते हो तो आपने अच्छे से मसाज कर लेनी है उसके बाद अपने फेस को जब आप धोगे ना वॉश करोगे पानी की हेल्प से और जो ग्लो आएगा आपके फेस पे वो आप देख के हैरान हो जाओगे आप देख सकते हो ऑलरेडी वीडियो में कि मैंने इसे अप्लाई किया और जैसे मैंने इसे वॉश किया मेरे फेस पे कितना अमेजिंग ग्लो आ गया तो आपके फेस पे भी वो डेफिनेटली आएगा क्योंकि मैं आपके साथ इसे शेयर कर रही हूँ बस आपको अपने लिए करना कि आपको इसे ट्राई जरूर करना है बिना ट्राई करे तो ऐसा मैजिक होगा नहीं कि अपने आप से सब हो जाए तो आप इसे जरूर यूज करना मेरे कहने पर क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग तरीका है स्किन को बहुत अच्छे से ग्लोइंग बनाने का और वैसे भी पुराने टाइम पे जब ये इतने सारे फेशियल्स ये पार्लर्स नहीं थे तो यही नेचुरल चीजों का यूज किया जाता था और उस टाइम पे लोगों की स्किन क्या अमेजिंग होती थी ये आपको भी ऑलरेडी पता ही होगा तो आप भी अपनी स्किन को अमेजिंग बना सकते हो इन छोटी छोटी चीजों को यूज करके तो आप भी डेफिनेटली इसे यूज करना कर्ड को अपने फेस पे और अपने घर पे आप ये किसी को भी यूज करा सकते हो अगर बच्चों को भी सनबर्न है टैनिंग हो रही है तो आप उन्हें भी यूज करा सकते हो क्योंकि दिस इज अ वेरी नेचुरल इंग्रेडिएंट जो कि किसी भी स्किन के लिए कोई परेशानी नहीं क्रिएट कर सकता सो so यूज करो फिर आके कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना कि आपको इस इंग्रेडिएंट को यूज करके इस रेमेडी को फॉलो करके क्या बेनिफिट मिला फॉर द बेटर रिजल्ट अगर आप इसे डेली बेसिस पे यूज करोगे ना तो अभी आपको इसका मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा क्योंकि आपकी जो स्किन के बहुत सारे इश्यूज है ना जो मैंने आज, आज आपको बताया है वो सारे दूर हो जाएंगे डेफिनेटली बस आपको इसे यूज करना है प्रॉपरली अच्छे से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द लेटेस्ट वीडियो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय